हेलो गाइस, कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। आज है 15 सितंबर और आज है हमारे घर पे दादा दादी का श्राद्ध, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो दादा दादी का श्राद्ध है। क्या मम्मी? दादा और दादी की जो तिथि आती है वो पंचमी की आती है, तो दोनों के साथ में कर लेते हैं ना। लास्ट में फिर दोबारा करते हैं, दादाजी के अलग से करते हैं। हाँ, तो आज शायद दादी की तिथि दादी की है, और फिर आज तो पंडित पंडित को बुला रखा है, लेकिन जो दादाजी को देते हैं, दादाजी की जिस दिन आती है उस दिन पंडित को दे देते हैं सारा सामान, जो भी होता है, राशन वगैरह, जो भी मतलब अन्न जो हम जीते जी खाते हैं वही उनको भी जाता है। सो कपड़े धूप में, और काटना मम्मी, और ये हल्दी के पत्ते ले जा रहे हैं पूड़ी रखने के लिए। पूड़ी रखते हैं, इस पर खाना जाएगा थोड़ा थोड़ा, जो जो हमने बनाया है, सब्जी, रोटी, पूड़ी, जो जो भी है, खीर वगैरह, सारा प्रसाद इस साइड से। तो मम्मी ये वाला है थोड़ा येलो येलो भी हो रहा है, चौड़ा भी हो रहा है। तीन ही दे दो ना, बहुत सारे हो रखे हैं वो तो, वैसे भी झड़ जाते हैं। तीन पुड़ी जाएंगे, एक गाय को, एक कौवे को, एक कुत्ते को। अभी आजकल उन्हीं को पितर मानते हैं ना। तो ये हल्दी के पत्ते ला गई हूँ बड़े बड़े निकाल के, और बड़े बड़े इसलिए लेके आए हैं कि बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे सुबह, और खीर प्रसाद सारी चीज़ें बनी हैं, पूड़ी सब्जी, और जो नॉर्मली मतलब हम चीज़ खाते हैं, और जो मम्मी पापा को पता होगा कि उनके माँ पापा को क्या पसंद था फ्रूट्स में सब्जी में, वो सारा बना है। और तो तीन ये पत्ते जाते हैं, मतलब तीन पत्तों में खाने जाएगा। एक कौवे को देते हैं, एक गाय को देते हैं, एक कुत्ते को देते हैं। तो बोलते हैं कि जब हम उन्हें खिलाते हैं श्राद्धों में तो वो पितरों को जाता है। तो ये सब मान्यताएं हैं, और हम इन चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं, क्योंकि मम्मी और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम भी करते हैं भाई। बट हमें इनकी प्रॉपर चीज़ें पता नहीं होती, तो मम्मी से पूछ के पता करना पड़ता है। सो अभी दिखाती मैं आपको, अंदर प्रिपेयर हो रखा है ये लोग। ये दादी जी और दादा जी की फ़ोटो नहीं है क्या? दादाजी बहुत पहले मर गए थे, तो इसलिए उनकी फोटोज नहीं है। ये वाली माला ऐसे कैसे हो रखी है? वाइट वाइट कलर की लाई थी रात में, वो अनफ्रेश हो गई है। सारे पंडित जी आएंगे, पंडित जी आ गए हैं, और अब हमारा खाना वाना तो सब रेडी है। मुझे पूड़ी बनानी है, इसमें बने हैं छोले, सब्जी इस पर बनाई है मैंने, खीर, और पूड़ी के लिए अभी आटा डाल रखा है, पंडित जी का वेट हो रहा था, मैंने पूड़ी का आटा लगा रखा है। और अभी इतना प्रसाद बन चुका है, जो मतलब जो सारी चीज़ें चढ़ेंगी, और अभी रायता बनाना है, बहुत सारी चीज़ें अभी प्रिपेयर करने के लिए हैं। तो अभी पापा और कर रहे हैं पूजा, और तर्पण दे रहे होंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे कैसे देते हैं हमारे में, मतलब तर्पण जो पितरों को जाता है, और आज का जो भी खाना पीना होता है वो सारा पितरों को जाता है। वैसे तो मम्मी और जितने भी ये श्राद्ध के दिन है ना, हर दिन सुबह उठ के फ्रेश बना के सब्जी रोटी वो देते, पूड़ी देते, छत पे रखते हैं कि कौवा खाएगा, कोई भी खाएगा तो वो सारा उनको जाएगा। बट आज का जो दिन होता है वो मतलब ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि जब बंदा मरता है या तब जब पंडित लोग को तिथि देते हैं कि उस दिन उनकी पूजा करनी है, तो वही तिथि आज है। तो प्रीशा गई थी मंदिर, और उसका मूड ख़राब हो रखा है, पता नहीं किस वजह से, किस चीज़ की जीत करी होगी ना पक्का आपने, क्या देखने इसको आप चिल्लाते रहो, मैं ऐसे दिखाती रहूँगी, चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ, सारे बोलेंगे कितनी बिगड़ी हुई लड़की है, स्टूपिड गर्ल। उसका आज मूड ख़राब हो गया अपने पापा से। मेरा नाम है, अभी बन रही पूरी, और फिर मोस्ट ऑफ द चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, अभी बस पूरी बन रही है, और उसके बाद दादी को खाना वाना देंगे हम। अवसरस्तन्तां देवानुगतन्तां नागार्जुन्तां सर्वदं प्रवन्तां हरि ओं महासन्तस्तन्तां प्रवृतस्तां मनुष्यस्तन्तां
तो अभी जो पूजा हो रही है ये दिला रहे पंडित जी तर्पण, इसमें जो भी पितर मतलब पापा अपने मम्मी पापा के लिए बुला रहे हैं कि आइए, इसलिए ये तर्पण दिए जाते हैं। और गांव में तो हमारी एक दादी थी ना, वो बोलती थी कि पहले के ज़माने में जब तर्पण होते थे जो जो पितर मर चुके हैं जो सालों पहले, वो भी दिखते थे कि बहुत पहले की बात। तो पता नहीं यार ऐसा होता था कि नहीं होता, अभी दिख जाए तो मतलब मैं तो बेहोशी हो जाऊँगी। बने हो आप, क्या सुनाने वाले हो बताओ? ये हमारा रॉक स्टार प्रीशा। प्रीशा रॉक स्टार, बताओ तो क्या सुनाने वाले हो आप? सो फाइनली पूजा वगैरह डन हो गई है और खाना वगैरह भी बन गया है। अब लोगों को, बच्चों को जिन जिन के लिए खाने के लिए बुला रखा है खाना खाने के लिए, उन्हें बुलाएंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे। और यहाँ पे प्रीशा ने तो मतलब घर का छत्तनाश करा हुआ है यार। क्या कर रहे हो आप, ये पूरे सोफे का गद्दियाँ इधर से उधर उधर से उधर, क्या हो जाता है यार आपको? कहाँ उसने कुर्सियाँ रख दी, कहाँ वो खुद जा रही है, यहाँ गद्दियों का उसने लगा दिया। भगवान, घर का छत्तनाश कर रखा है प्रीशा ने। इधर देखो, इधर चीज़ों को सेट करो आप जहाँ पे थी। ऐसे थोड़ी होता है यार बच्चा, मैं आपका हैंड ना फोड़ दूंगी। हाँ तो क्या हो गया? अच्छा नहीं नहीं कर रही, मैं तो फन कर रही थी बच्चा, मजाक कर रही थी आपसे। ये तो इसके अंदर ही नहीं आई थी। क्या बना रहे हो आप ये तो बता दो। हाउस हैंड के लिए, अरे अपने लिए तो बना ले। बस उसका ऐसे ही चलता रहेगा दिन भर, घर बनाओ तोड़ो उधर, बढ़िया हैंड के मजे। यस बच्चा, इसको खोल के देखो उसके अंदर क्या है। हैंड है, मुझे पता है। हैंड नहीं क्या बनाया आपने बताओ? हाउस। हाउस किसके लिए? मामा के लिए। मम्मा के लिए, उसके अंदर हैंड है, आप ले सकते हो। देखो मैं देखू, हटाओ ना आप सरप्राइज, हटाओ मैं देखूंगी। ओ वाओ सो नाइस, ये किसके लिए लाया आप हैन? आपके लिए लाई दुकान से। मेरे लिए? झूठी लायर। प्रीशु तभी खुश है जब उसके साथ दिन भर ऐसे बच्चों की तरह खेलते रहो। One hour later. ये मेरा सोतड़ू सो रखा है और अभी है इवनिंग टाइम, इवनिंग यानी 4 बज गए हैं और मम्मी और सो रखे हैं। श्राद्ध का पूरा काम वगैरह निपट गया है, जितने लोगों को भी खाना वाना खाने के लिए बोला था सब ने खा लिया है, सब चले गए हैं। और अब मुझे जाना है शॉप पे अमित के साथ। सो अभी जस्ट ना मैं शॉप से आई हूँ और थोड़ा जल्दी आ गई आज क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। अभी प्रीशा के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी क्योंकि परसों उसके कज़न का ताई के लड़के का बर्थडे है, तो अगर उसको टाइम मिला तो जाएगी क्योंकि उसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। देखती हूँ टीचर से पूछूंगी जा सकते कि नहीं जा सकते, मतलब जाना है, थोड़ी 1-1.5 घंटे की पार्टी होगी उसके बाद वापस आना है। बट कपड़े तो जरूरी जाए, बट ड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी छत में आ रखी हूँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है गाइस, तो इतना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे, अमेजिंग। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँ, आज की बारिश से बड़ा ही प्यारा फ़र्क पड़ा है, सारे जो पौधे थे ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो गए। वैसे तो हम एवरीडे इनमें पानी डालते हैं बट जो नेचुरल जो पानी होता है ना जो बारिश से गिरता है, उससे पौधों में मतलब अलग ही रंगत आ जाती है, एक अलग ही निखार आ जाता है पेड़ पौधों में, तो बहुत अच्छे हो गए। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन एकदम। ये अरबी के पत्ते हैं हमारे सारे फ्लावर्स वगैरह। ये मेरा एलोवेरा भी बड़ा अच्छा हो गया है आज तो। ये मिर्ची का पेड़। फिर आज अभी जाती हूँ मार्केट, तो आज का ब्लॉग रखती हूँ इतना ही क्योंकि आगे सूट नहीं कर पाऊँगी, बहुत भीड़ रहती है मार्केट में। तो आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। सो बाय गाइस।